क्वेश्चन टू भी हमें वही करना है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो, सम्स बताने हैं। और यहाँ अच्छी बात यह है कि लास्ट टर्म गिवन है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला वो भी था, याद है आपको जो मैंने लास्ट में बताया एन बाई टू ए प्लस एल, वो फॉर्मूला यहाँ पे आसानी से यूज हो सकता है। तो ज्यादा बड़े फॉर्मूले पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी गिवन है और लास्ट टर्म भी गिवन है, ठीक है, तो ईजी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म ए कितना है, सेवन है, और डी निकालने के लिए ये देखिए 10 एंड हाफ है, तो ये 2 10 जा 20, ये हो जाएगा 21 बाई 2, है ना, 21 बाई 2 इट इज 10.5, ओके, ये डी सॉरी ये आपका 21 बाई 2 दैट इज 10.5, है ना, करने की जरूरत नहीं है, माइनस 7, तो ये आपका आएगा 10.5 माइनस, देखिए ये तो 21 बाई 2 कितना हो गया 10.5, तो आप इसको 10.5 लिख लीजिए, इजी रहेगा, माइनस 7 कर दीजिए, है ना, तो कितना आएगा 3.5, तो D कितना आया 3.5, क्योंकि 21 by 2 की वैल्यू क्या होती है 10.5, जो कि आपका सेकंड है। अच्छा, और यहाँ पे N, अच्छा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि N आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो एक स्टेप यहाँ बढ़ जाएगा, एक स्टेप क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ए एन दे रखा है, ए एन कितना है 84, ये आप देख सकते हैं लास्ट वाला, है ना, पर एन क्यों फाइंड करना है, क्योंकि सम ऑफ एन टर्म्स में एन की वैल्यू यूज होती है, तो ए एन की वैल्यू से फाइंड करेंगे, तो आपको पता है ए एन क्या होता है, ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, तो ए एन इज वॉट 84 इक्वल टू ए दैट इज 7 प्लस एन माइनस वन, एन तो पता नहीं है, और डी की वैल्यू कितनी है 3.5, ओके, तो ये हो जाएगा 84 इक्वल टू 7 प्लस 3.5 इन टू एन माइनस 3.5, तो 84 इक्वल टू 7 माइनस, ये 7 में से 3.5 जाएगा तो क्या बचेगा 3.5 प्लस 3.5 n, अब ये इधर जाएगा तो 84 माइनस 3.5, 84 माइनस 3.5, है ना, तो यहाँ पे आपका आएगा 10 में से 5 गया बचा 5, 3 में से 3 गया बचा 0.80.5, है ना, कितना आएगा 80.5, तो ये आएगा आपका 80.5 इक्वल्स टू 3.5 n, तो n की वैल्यू क्या आएगी 3.5 80.5 के नीचे जाएगा, 80.5 बाई 3.5, 10 और 10 का डेसिमल है तो डेसिमल हट के 805 बाई 35 है, ठीक है, अब इसको आप रिड्यूस करें, है ना, तो 35 2 जा 70, है ना, और 105 35 3 जा, तो n आएगा 23, तो यही चाहिए था हमको सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए, तो एन मिला हमको कितना 23, ओके, तो मैं जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो मैं इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि जो हमको चाहिए था वो मिल चुका है, अब हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, तो ये आपका इतना पार्ट हो गया, ठीक है, तो अब आपका स्टार्ट होता है एस एन, तो एस एन क्या था एन बाई टू और ए प्लस क्या ए एन, ये फॉर्मूला भी तो था जो बताया था उस टाइम, ठीक है, तो n कितना निकला 23, तो 23 बाई 2 a, a कितना है 7, ठीक है, तो यहाँ पे आया 7 प्लस an, an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू है आपकी 84, यहाँ लिखी नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं an is what 84, ठीक है, तो 84 तो यहाँ पे आ जाएगा 84, तो 23 बाई 2 इंटू 84 और 7 कितना आ जाएगा 91, है ना, तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, 23 into 91, ओके, तो ये आपका आंसर आएगा, ये आया फर्स्ट का आंसर, ओके, बाई टू आया, उसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो 1046.5 डिवाइड कर दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ओके, क्लियर, स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन टू का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए है वो है 34 फर्स्ट टर्म, जो डी है वो है 32 माइनस 34, ए टू माइनस तो वो आएगा माइनस 2, ए एन आपको दे रखा है लास्ट टर्म क्या दे रखा है 10, और एन आपको पता नहीं, तो सबसे पहले एन आप फाइंड करेंगे, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, an कितना दे रखा है 10, तो 10 equals to a that is 34 plus n minus 1 into d that is
बी डी डी इज माइनस टू, तो टेन इक्वल्स टू 34, ठीक है, माइनस टू इंटू एन तो क्या होगा माइनस टू एन, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू, तो टेन इक्वल्स टू 34 प्लस टू दैट इज 36 माइनस टू एन, तो माइनस टू एन इधर जाएगा तो प्लस टू एन, और टेन उधर जाएगा तो 36 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो 2n इक्वल्स टू आ जाएगा 26, है ना, तो n क्या हो जाएगा 13, क्योंकि 26 बाय 2 हो जाएगा 13, तो जो हमको चाहिए था वही मिल गया, n कितना मिला 13, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटा के मैं यहाँ कर देता हूँ 13, ओके। अब आगे पार्ट करते हैं, Sn निकालते हैं, तो Sn निकालने का एक सिंपल तरीका, वही फॉर्मूला, Sn क्या होगा, n बाय 2 a प्लस an, है ना, n कितना है 13, तो 13 बाय 2 a, a है आपका 34 प्लस an दैट इज 10, ओके, तो 13 बाय 2 इनटू 34 प्लस 10 दैट इज 44, और 2 के टेबल में ये 22 से कट जाएगा, 22 3 जा हो जाएगा 66, तो यहां पे 122 वन जा 2 86 विल बी योर फाइनल आंसर, ओके।